हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। जैसा आपको पता है, एमपीपीएससी 2020 जो 11 अप्रैल को होने वाला था, उसका डेट, टेंटेटिव डेट 20 जून कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी न्यूज आज आज के जो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर आई है, और जिसमें आने वाले एग्जाम्स का एक टेंटेटिव डेट या एक संभावित डेट इनके द्वारा यहाँ पर आपको दिया गया है। और ये लगभग लगभग आयोग की तरफ से ये पूरी इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि ऑफिशियल अभी कोई डेट आयोग ने अनाउंस नहीं की है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से कई बार आपके जो कमीशन है या लोक सेवा आयोग या गवर्नमेंट जो है, कई बार कुछ न्यूज जो है वो स्प्रेड करवाती है, तो उसी को इन्फॉर्मेशन आई है, जिसके अंदर आने वाली जो एग्जाम्स है 2020 और 2021, उनमें क्या वो डेट क्या होगी या कब एग्जाम हो सकती है, तो उनकी कई सारी चीजें जो है आपको इस न्यूज के अंदर दी गई है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए इसको देखने के लिए। अब सबसे पहले जो एग्जाम आपका 2019 का जो मेंस था, तो ऑलरेडी आपको पता है कि 19 का मेंस हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है वो जून में आने वाला है। अब एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर सब कुछ ठीक चला तो जून के अंदर इसका रिजल्ट है, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा अगर कोर्ट केस वगैरह सब कुछ चीजें ठीक हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एग्जाम है, तो राज्य सेवा परीक्षा 2020 जो अभी 11 अप्रैल को होना था और मई में उसका रिजल्ट आना था, लेकिन अभी जो संभावना है कि एग्जाम जो है वो 20 जून को होगी और रिजल्ट जो है वो आपका सितंबर के अंदर, सितंबर के अंदर आएगा। दूसरा जो एग्जाम का मेंस था आपका 2020 का मेंस, जो अगर एग्जाम अप्रैल में हो जाती तो अगस्त के अंदर मेंस होता और अक्टूबर के अंदर इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने वाला था, लेकिन एज यू नो कि एग्जाम आगे बढ़ चुकी है, तो जो एग्जाम है मतलब आपका जो अगस्त के अंदर जो एग्जाम होने वाला है वो हो सकता है वो अक्टूबर में हो। अगर जून में एग्जाम हो जाता तो अक्टूबर के अंदर आपका मेंस होगा और जनवरी 2022 तक इसका रिजल्ट यहाँ पर आपका अनाउंस हो पाएगा, क्योंकि 3-4 महीने रिजल्ट आने में आपको लगता ही है। ठीक है, तो जो 2020 का एग्जाम था जो आपको अप्रैल में होने वाला था, वो एग्जाम अब जून में होगा और उसके बाद उसका जो मेंस है वो अक्टूबर के अंदर आपको शिफ्ट होगा और जिसका रिजल्ट जनवरी 2022 के अंदर आएगा। उसके बाद एमपीपीएससी जो फर्स्ट सर्विस है 2020, उसका भी प्री साथ में ही होता है, यू नो दैट, और उसी का रिजल्ट मई में आने वाला था, लेकिन 20 जून को एग्जाम होगी और इसका जो रिजल्ट है पीएससी के साथ में ही सेप्टेम्बर के अंदर आएगा। उसके बाद फॉरेस्ट का जो मेंस है 2020 का, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको जुलाई के अंदर, जुलाई में एग्जाम होना था फॉरेस्ट मेंस का और जुलाई के अंदर ही रिजल्ट आना था, लेकिन अभी ये जो एग्जाम है ये अक्टूबर में संभावित है और अक्टूबर के अंदर ही इसका रिजल्ट है, अक्टूबर के अंदर ही आपका रिजल्ट आएगा। ये सभी संभावना है जो पेपर के माध्यम से आयोग ने यहाँ पर आपको, आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद राज्य सेवा परीक्षा 2021, 2021 का जो प्रीलिम्स है तो वो अगस्त में संभावित था और उसका रिजल्ट सेप्टेम्बर में आने वाला था, लेकिन अब ये एग्जाम जो है संभावित है कि 2021 का जो प्री है वो नवंबर के अंदर होगा और उसका जो रिजल्ट है वो कोशिश करेंगे कि दिसंबर के अंदर उसका रिजल्ट है, दिसंबर में उसका रिजल्ट आ जाए। उसके बाद 2021 का एमपी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, मतलब फॉरेस्ट का जो एग्जाम है प्रीलिम्स, तो वो भी साथ में ही होता है, तो अगस्त में होना था, सितंबर में रिजल्ट आना था, तो अब अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होगा, जबकि रिजल्ट जो है वो दिसंबर तक, रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होगा और दिसंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फॉरेस्ट का जो मेंस है, तो ऑब्वियसली बात, वो एग्जाम जो है वो एग्जाम भी आपको आगे यहाँ पर आपको पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फॉरेस्ट का जो पूरा एग्जाम था, जो 18 का जो अभी एग्जाम होना था 18 तारीख को, 18 अप्रैल को एक एग्जाम होना था और उसमें 6 पोस्ट थी टोटल, 97 उसके अंदर टोटल स्टूडेंट थे, तो उसके ऊपर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है कि कोविड के कारण फॉरेस्ट का 2019 का मेंस लिया जाए या नहीं लिया जाए। उसके बाद में स्टेट इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है 2020 की, तो वो एग्जाम आपको 13 जून को थी, है ना, और वो एग्जाम भी अब प्रोबेबली जुलाई के अंदर यहाँ पर आपको संभावित हो गई। फिर और भी कई सारी एग्जाम, डेंटिस्ट भर्ती एग्जाम और असिस्टेंट मैनेजर, लोक सेवा स्वास्थ्य अधिकारी वगैरह, ऐसे कई सारी एग्जाम्स के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर आपको प्रभाव पड़ेगा। तो आप मेनली आपका जो भी एग्जाम है उसके ऊपर ध्यान दें कि टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है और उसके हिसाब से आप उन एग्जाम की तैयारी करें। अनअकैडमी पर अभी जैसे ही एग्जाम आगे बढ़ा है, तो मैंने मेन्स के कोर्सेज फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर आपका एमपीपीएससी मेन्स पेपर 1 पार्ट B और पेपर 2 का जो पार्ट B है वो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड पवन लाइव यूज कर सकते हैं, एंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेस। साथ ही आप लेक्चर के साथ में जब अनअकैडमी पे लेक्चर्स देखते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, तो 880 क्रेडिट पॉइंट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए 1280 क्रेडिट पॉइंट यूज करके 7,128 रुपए में आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो इन डेट्स का ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करें। साथ ही मेरा जो दूसरा चैनल है अनअकैडमी ज्ञान कोश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से एक एमपी का एक नया कोर्स शुरू होने वाला है आज, तो उसको भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।